माघ मेक गियर कटिंग मशीन इन एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन. दिस इज अ मेड इन स्विट्जरलैंड माघ मेक मशीन. इट कैन यूज टू कट हेलिकल एज वेल एज स्पर गियर्स. The make of this machine is Maag, and this is a made in Switzerland machine, and the model number is SH75. The condition of the machine is very good. The condition of the slides, the condition of the table, there is no noise at all in the spindle of this machine. अभी हमने इसको कटिंग के लिए लगाया हुआ है. इसका हम टेबल का रोटेशन पे फीट ट्रैवल देख सकते हैं. ये अभी इंडेक्स हो रही है मशीन. स्ट्रोक ऊपर जाके रुक गया एंड टेबल अभी वापस जा रही है. वी कैन सी द रिटर्न मोशन ऑफ द टेबल. ठीक है, ये इंडेक्सिंग जैसे ही कंप्लीट हुई नेक्स्ट टीथ कटिंग स्टार्ट हो गई. The machine is complete with its change gears. Almost all the change gears are available with us. It is complete with its operating manual. As well as its brochure. हमारे पास brochure और operating manual दोनों हैं. टेबल की रोटेशन के एंड टेबल की जो फीड है उसकी चेंज गियर्स इंडेक्स गियर्स यहाँ डालते हैं. इस मशीन में इसको रोटेट करके जितना भी हेलिकल एंगल है वो कर सकते हैं. नॉर्मली गियर शेपर्स मशीन में हेलिकल एंगल का प्रोविजन नहीं होता इस मशीन में है. दिस इज द टाइप ऑफ कटर विच इज यूज इन दिस मशीन. इसमें गियर जेनरेशन वाला प्रिंसिपल यूज होता है. दिस इज द कंट्रोल डिस्क. ठीक है, दिस इज टू सेट द फीड रेट ऑफ फीड. ठीक है, अभी इंडेक्सिंग हो रही है. फिर से हम देख सकते हैं कंट्रोल डिस्क अपनी इनिशियल पोजीशन पे जा रही है एंड टेबल भी अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ रही है. जब भी इंडेक्सिंग होती है स्ट्रोक ऊपर जाके रुक जाता है एंड इंडेक्सिंग कंप्लीट होने के बाद फिर चल पड़ता है. वी हैव स्टार्टेड द मशीन फॉर अ गियर कटिंग. वी कैन सी द रोटेशन ऑफ द टेबल इन फीड. जो भी कटर का प्रोफाइल है दैट विल बी जनरेटेड ऑन द गियर ब्लैंक. The feed travel can be seen, the table feed travel can be seen. ठीक है, ये ढक्कन खोल दो एक बार. इस स्टॉपर से डिसाइड करते हैं. अभी इसमें जैसे ही इंडेक्सिंग होगी अपने आप जो इसका स्ट्रोक है कटर जो है वो ऊपर जाके रुक जाएगा. ठीक है, टेबल अपनी वापस आ रही है. अभी टेबल इनिशियल पोजीशन पे वापस आएगी. द रैपिड बैकवर्ड ट्रैवल ऑफ द टेबल कैन बी सीन एंड जो टेबल है वो इंडेक्स हो गई. टेबल इंडेक्सिंग के बाद फिर से नेक्स्ट टीथ कटिंग के लिए मशीन स्टार्ट हो गई. इसमें जो फीड का रेट चेंज कर सकते हैं वो दिखाओ. अभी हमने फीड का रेट मीडियम किया हुआ है. The rotation of the control disc per stroke can be seen. अब इसको कम कर दो. कम. ठीक है, we are reducing the feed rate. और कम कर.
ठीक है, हमने फीड रेट कम कर दिया और हम देख सकते हैं कि जो कंट्रोल डिस्क है, जो पर स्ट्रोक कंट्रोल डिस्क चल रही है, वो अभी बहुत कम चल रही है। कंट्रोल डिस्क की रोटेशन स्लो हो गई एज वी हैव रिड्यूस द फीड रेट। फीड रेट फिर से इंक्रीज कर दो। ठीक है, हम टेबल की रोटेशन देख सकते हैं कि अभी पर स्ट्रोक कम हो गई है। ठीक है, इसको वापस इंक्रीज कर दो। वी आर अगेन इंक्रीजिंग द फीड रेट। ठीक है, इसमें कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल है फीड रेट। एज वी कैन सी दैट द रोटेशन ऑफ द कंट्रोल डिस्क पर स्ट्रोक हैज अगेन इंक्रीज्ड। ठीक है, जैसे ही ये वाला स्टॉपर टच होएगा, उसके बाद ये अपने इंडेक्सिंग वाले मोड पे जाएगी मशीन। ठीक है, ये स्ट्रोक ऊपर रुक गया, कटर ऊपर रुक गया, टेबल वापस आ रही है एंड इंडेक्स हो रही है, कंट्रोल डिस्क भी वापस आ जाएगी। ये टीथ काउंटर है। ठीक है, इवन द टीथ काउंटर इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। हर बार इंडेक्स होने पे टीथ काउंटर वन पोजीशन मूव कर जाता है। डिफरेंट स्ट्रोक रेट, करंटली वी हैव रिड्यूस्ड द रेट ऑफ द स्ट्रोक। अभी हमने कम किया हुआ है, थोड़ा बढ़ा के तेज कर दो। वी हैव इंक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रोक। अभी हमने स्ट्रोक रेट इंक्रीज कर दी है। अभी और तेज दिखा दो स्ट्रोक का रेट। कोई हमने अभी स्ट्रोक का रेट और इंक्रीज कर दिया है। वी हैव फर्दर इंक्रीज द रेट ऑफ द स्ट्रोक। स्ट्रोक रेट इंक्रीज कर दिया है। इवन एट अ हाई स्पीड देयर इज नो नॉइस इन द गियर बॉक्स और इन द स्पिंडल ऑफ दिस मशीन। द मशीन इज कंप्लीट विद इट्स कूलेंट टैंक, कूलेंट पंप, ऑलमोस्ट ऑल द चेंज गियर्स, ऑपरेटिंग मैनुअल एज वेल एज द ब्रोशर। इट इज अ मार्ग स्विट्जरलैंड मेक गियर कटिंग मशीन। इसका जो हेड है वो अभी हमने जानबूझकर रोटेट किया हुआ है हेलिकल गियर कटिंग की दिखाने के लिए। उसमें यहाँ पे डिग्री है, हम वो किसी भी एंगल पे सेट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट्स। ऑल द फीचर्स ऑफ दिस मशीन आर वर्किंग परफेक्टली फाइन। फीड का रेट, कंट्रोल डिस्क वर्किंग, टेबल इंडेक्सिंग। द मशीन इज इन ओवरऑल एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन एंड ऑल द फीचर्स आर वर्किंग परफेक्टली फाइन।